फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान के एस जयशंकर वो जा सकते हैं रशिया। 8 नवंबर को वो अपने काउंटर पार्ट सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि शांति के लिए कोशिश कौन कर रहा है। ये है शांति की कोशिशें। देखिए हिंदुस्तान कर रहा है शांति की कोशिशें, बाकी जगहों पर हो रही हैं ये ड्रिल्स, और ये ड्रिल्स लगातार पहले से बने हुए तनाव को और बढ़ा रही है। जबकि आप यहां देख रहे हैं एस जयशंकर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं 8 नवंबर को रूस। क्या होगा इसमें, क्योंकि आप जानते हैं अभी ही भारत के रक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की, जब उनका फोन आया और उन्होंने ये बताया रूस के रक्षा मंत्री ने कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा सब्र से काम लेना। अब एस जयशंकर जा रहे हैं रशिया, आगे क्या हो सकता है और इन कड़ियों को जोड़कर कैसे देखा जाना चाहिए? आशीष बहुत जल्दी से। देखिए ये एक बड़ी भूमिका बन रही है भारत की रशिया यूक्रेन युद्ध में, किस तरह से अपना रोल अदा किया जा सकता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इससे पहले कि हम इस विजिट की महत्वता बताएं, ये जरूर बता दें कि इसके ये ठीक 1 हफ्ते पहले हो रही है मीटिंग डॉक्टर एस जयशंकर उनके जो रशियन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में 8 नवंबर को। ठीक 1 हफ्ते बाद G20 समिट होनी है बाली में, जहां पर व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की, प्रधानमंत्री मोदी और बड़े वर्ल्ड के टॉप लीडर्स होंगे। ठीक 1 हफ्ते पहले G20 समिट के डॉक्टर जयशंकर का उनके रशियन काउंटर पार्ट से, रशियन विदेश मंत्री से मिलने का मतलब साफ है कि भारत की भूमिका काफी ज्यादा, भारत की भूमिका बड़ी होने वाली है। हमारे साथ काटजू सर भी जुड़े हुए हैं। इस कूटनीति को कैसे देखा जाए, काटजू सर क्या होगा और इन प्रयासों का यील्ड क्या देखते हैं आप? देखिए इस वक्त वास्तविकता यह है कि ना पश्चिम के देश अमेरिका के नेतृत्व में और ना ही रूस और उसके पीछे चीन यूक्रेन में शांति के लिए तैयार। प्रयास जरूर होने चाहिए, मोदी सरकार भी प्रयास करे तो अच्छा है, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान है, भारत को भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान चल जी। लेकिन मैं ये कोई उम्मीद नहीं, गलत उम्मीद नहीं लगा सकता इस वक्त कि ये सब प्रयास जो हैं ये किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचे। हमें अब भारत की जो एक साख है वो दुनिया में जरूर, लेकिन जब दो बड़े हाथी एक दूसरे से भिड़ते हैं तो किसी और की सुनते नहीं है, तो फिर किसकी वो सुने। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। तो ये क्या सिर्फ इसलिए कि इतिहास में जब याद रखा जाए तो ये भी याद रखा जाए कि सार्थक प्रयास किसने किए थे, किसने कोशिश की थी कि आग में पानी डाला जाए और किसने किया था कि आग और भड़के, क्या केवल इसलिए ये किया जा रहा है? एक बार फिर से अहम खबर है इस वक्त की, बहुत अहम खबर है, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए और उसके बाद जनरल वी के दत्ता मैं आपके पास आने वाला हूं। ये खबर देखिए जरा, रूस यूक्रेन जंग पर आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये खबर तो मैंने आपको बताया कि एस जयशंकर 8 नवंबर को जाने वाले हैं रूस और वहां अपने समकक्ष से उनकी मुलाकात होने वाली है। रूसी विदेश मंत्री एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। सर्गेई लावरोव के साथ एस जयशंकर की मुलाकात होने वाली है और यह मुलाकात बेहद अहम, खासतौर से इस प्रीटेक्स्ट में क्योंकि ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में पहले ही भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री की बात हो चुकी है और अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत होने वाली है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।